लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन बैंक दिया ना आपको गुजरात स्टेट बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ, उसके डाउट सेगमेंट पूछने थे आपको, तो डाउट सेगमेंट का दूसरा वीडियो लेक्चर है। ज्यादातर बच्चों ने 12 नंबर का क्वेश्चन मैसेज किया कि सर ये करवाओ, ठीक है चलो देखो। अ बॉडी ऑफ मास 30 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 इन नॉर्थ डायरेक्शन, वेलोसिटी 20 है नॉर्थ डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद ईस्ट। इसका क्या मतलब है, यही तकलीफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वो ईस्ट के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका ड्रॉइंग देखो ऐसे होगा, कम एंड फोकस 12 नंबर, पहले तो ऐसे चार डायरेक्शन बना ले भाई, मस्त नॉर्थ, तो उसके सामने क्या होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट, तो इधर होगा सपोज वेस्ट। ओके, गुजराती मीडियम के बच्चे समझ ले, आ उत्तर दिशा छे, आ पूर्व, आ दक्षिण अने आ पश्चिम, ठीक छे। ओके चलो, अब ईस्ट के साथ 30 डिग्री मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, देखो नॉर्थ की साइड इसको जाना है लेकिन ईस्ट के साथ 30 डिग्री पे जाना है। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया उसका इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन साउथ डायरेक्शन, फोर्स कहां लग रहा है साउथ डायरेक्शन में, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे इधर साउथ मतलब ये डाउनवर्ड, तो इधर लग रहा है फोर्स कितना है 150 न्यूटन। ओके आगे बढ़ो, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा मास यहां पे दिया हुआ 30 kg ले सकता है, तो मास इज इक्वल टू 30 kg। चल पूरा सीन शांति से देख, सोचना ज्यादा नहीं होता इसमें, पहले तो ये सब डायरेक्शन इधर उधर है ना, तो इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम, पूरा वेक्टर इन्वॉल्व करेंगे, बढ़िया मस्त 11वीं का जो स्टार्टिंग का वेक्टर है ना वो सब इन्वॉल्व करते। चलो सबसे पहले देखिए उसका इनिशियल स्पीड है, तो उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है ना। तो चलो जहां जहां वेक्टर दिखे पहले वेलोसिटी में ले रहा हूं, फिर फोर्स में लूंगा, फिर कुछ और करेंगे, धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी v1 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 20 का cos, ये कौन सा है 20 का cos 30 कंपोनेंट और ये है 20 का sin 30 कंपोनेंट, ले लो 20 cos 30, 20 sin 30, cos 30 means √3/2, sin 30 means 1/2, 10√3 and 10, 10√3 मतलब 17.3। अच्छा मास भी है, अरे दोस्त ये वो डेल्टा पी कुछ बनता है, देख बताता हूं, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, हाँ ये लगेगा ना, फोर्स अपने पास है दो टाइप का वी है तो ये डेल्टा वी बनता है, देख कैसे बनता है। अच्छा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा, फोर्स देख डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो ये हो गया माइनस जे गैरेट, ठीक है तो फोर्स कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 0 - 150 न्यूटन। बस अब इसको सॉल्व करो, 0 - 150 न्यूटन, डेल्टा वी मीन्स mv2 माइनस MV1 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, 0 - 150, मास है 30, V2 अपने को पता नहीं है, V1 इधर अपन ने ले लिया है 17.3 और 10, क्लियर। अब ये 5, 6 जब ये 6 इधर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 25, V2 माइनस 7.3 10, अब इसको इधर ले आओ 0 - 25, वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 17.3 एंड 10, इट विल बी आवर V2, ये क्या हो गया 17.3, ये हो गया -15, ये आ गया भाई V2 तेरा वेक्टर फॉर्म में,
उधर आराम से जगह ले थोड़ी और देख V2 का वैल्यू क्या आया फाइनली 17.3 और -15। इसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो अंडर रूट 17.3 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर, यहां से मैग्नीट्यूड मिलेगा। फिर डायरेक्शन पता करना है तो हम जानते हैं ना थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, बस यहां से डायरेक्शन लिखे खत्म।